चलिए जानते हैं कि मोल क्या है। इन केमिस्ट्री मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट एग्जैक्टली कंटेन 6.022 × 10⁻³ पार्टिकल्स। याद रखें कि केमिस्ट्री में हम मोल को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि वो अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस जो कि एग्जैक्टली कंटेन करता है 6.022 × 10⁻³ पार्टिकल्स वो इक्वल होता है 1 मोल के, यानी 1 मोल कहलाता है। याद रखें कि ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और या फिर आयंस भी हो सकते हैं। चलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स को एग्जांपल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। स्क्रीन पर मौजूद कार्बन एटम, वाटर मॉलिक्यूल और सोडियम क्लोराइड आयन, अगर ये 1 मोल होगा तो याद रखिए कि इसमें एग्जैक्टली 6.022 × 10⁻³ पार्टिकल्स मौजूद होंगे। याद रखें कि जब कभी एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मुलर मास को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स में तो वो इक्वल होता है 1 मोल के। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम जो कि इक्वल होता है 12 AMU के, अब जब हम AMU यूनिट की जगह ग्राम लगा देते हैं तो ये इक्वल हो जाता है 1 मोल के। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 12 ग्राम्स इक्वल है 1 मोल के। सो एटॉमिक मास में हमने AMU की जगह जब ग्राम को पुट किया तो ये इक्वल हो गया 1 मोल के। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास को जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में तो ये भी इक्वल हो जाता है 1 मोल के। सिमिलरली फॉर्मूला मास जो है उसको भी जब हम एक्सप्रेस करते हैं ग्राम्स में तो ये इक्वल हो जाता है 1 मोल के। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला मास 58.5 AMU है, जैसे ही हम AMU को रिप्लेस करते हैं ग्राम से तो ये इक्वल हो जाता है 1 मोल के। सो इन सिंपल वर्ड्स एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास जैसे ही हम इसको एक्सप्रेस कर देते हैं ग्राम्स में तो ये इक्वल हो जाता है 1 मोल के। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मोल इक्वल होता है 6.022 × 10⁻³ पार्टिकल्स के, तो इन तीनों केसेस में चाहे हमने एटॉमिक मास लिया या मॉलिक्यूलर मास या फिर फॉर्मूला मास, जब वो इक्वल हो गया हमारे पास 1 मोल के, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस जिसमें एग्जैक्टली 6.022 × 10⁻³ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, एवोगाड्रोस नंबर कहलाते हैं। चलिए जानते हैं कि एवोगाड्रोस नंबर क्या होते हैं। एवोगाड्रोस नंबर इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ 6.022 × 10⁻³ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस में एग्जैक्टली 6.022 × 10⁻³ पार्टिकल्स मौजूद होते हैं और ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स कहलाते हैं एवोगाड्रोस नंबर। याद रखें कि एवोगाड्रोस नंबर को NA से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसमें मौजूद नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो एग्जैक्टली 6.022 × 10⁻³ पार्टिकल्स होते हैं और याद रखें कि ये नंबर इक्वल होता है 1 मोल के। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।